नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे और आपके साथ मैं हूँ नितिशा बंसल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के राशिफल के साथ और साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे आज का विशेष महा उपाय। आज हमारे नंबर्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं का हल भी जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे बचें काले जादू से? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से भैरव यंत्र का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, पौष मास चल रहा है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है प्रीति और करण है गर्भ। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशि फल की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह और विश्वास बनाए रखें, खर्च में अनावश्यक जो है वृद्धि ना होने दें, अपने खर्चों में कमी करने की आवश्यकता है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको जीतोड़ कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। जीतोड़ कोशिश करते रहिए, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए आज दिन बहुत अच्छा, बहुत खास नहीं है, तो संबंधों के मामले में विशेषकर आपके जो अपने व्यक्तिगत संबंध हैं इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा आज ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के संबंध निभाने की आवश्यकता है। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद न बढ़ाएं, ये पार्टनर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर से भी वाद विवाद की स्थिति दिखती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो कर रहे हैं या जो करते हैं वह सही है, तो ये गलत हो सकता है। कभी कभी आपको खुशी पाने के लिए या कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। शायद आपको दूसरों के माध्यम से खुशी मिल जाए, दूसरों के चेहरे के लिए खुशी अगर आप कुछ ला सकें तो आपको आज बहुत अच्छी अंदर से खुशी मिलेगी। आज आपको जो है आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। आज की तिथि में आपको अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ जाता है तो आपको बहुत सोचना नहीं चाहिए, दूसरों के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की अनदेखी ना करें। और अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ यानी कि कर्क राशि की तरफ और जानेंगे कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और अंत में वही करें जिसमें आपको खुशी मिले। भाई बहन बंधु बांधव से तनाव की स्थिति आज आपको प्राप्त हो सकती है और आज की दिनचर्या में खर्च की स्थिति भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, अर्थात कुल मिलाकर के ये सारी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं बनती हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और जो तनाव और वाद विवाद की स्थिति है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य की गुप्त बात हर किसी से चर्चा ना करें। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है जिसने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी है, आज वह व्यक्ति एकदम से आपके समक्ष आ जाए और अपने किए की क्षमा मांगे, तो ऐसे में आपको क्षमादान दे देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता और किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति बहुत क्षतिदायक रह सकती है, तो इस तरीके की परिस्थिति से बचने का प्रयास करना है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही थी काफी समय से, आज उसे दूर करने का दिन है, आज उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको अपने अधिकार का पद मिलेगा, अर्थात जिस पद के आप योग्य व्यक्ति हैं आज आपको वह पद मिल सकता है जिस पर आपका अधिकार है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है तथा मानसिक रूप से भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, अर्थात किसी के दिल को आज नहीं दुखाना चाहिए। और इस वक्त कुछ दर्शक है जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रजनीकांत जी से जो कि भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहिए रजनीकांत जी, अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। हाँ जी, नमस्कार जी। जी बताइए। मैं राजस्थान से बोल रहा था, भरतपुर जिला से। जी अच्छा जी, जी बताएं आप अपना जन्म विवरण दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा पंडित जी से कि अपना कारोबार में थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, धंधापन जो भी करता हूँ तो पूर्ण रूप से कर नहीं पाता हूँ, और एक मेरी शादी के बारे में पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें, जन्म समय जन्म तिथि बताइए। अच्छा, जन्मतिथि मेरी लगत भाद्रपद पंचमी। जी तारीख बताइए, अंग्रेजी में तारीख दिन महीना बताइए। पंडित जी तारीख महीना तो मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ थोड़ा सा। देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसके अनुसार वो तिथि निकालने में काफी समय लगेगा, उसके लिए पंचांग की जरूरत पड़ेगी और अभी टीवी पे इतना समय नहीं होता हमारे पास। प्रश्न लग्न के माध्यम से आपको जवाब देता हूँ, आपने व्यापार के बारे में पूछा। प्रश्न लग्न के अनुसार केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। केतु की जो महादशा है इसने आपके लिए बहुत विषम परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं। शनि जो है वर्तमान प्रश्न लग्न में दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है, कुल मिलाकर के संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। जहां तक आपने विवाह की बात पूछी है तो आने वाले 2014 में आपका विवाह जो है वह संपादित हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। और 2014 में भी 27 अक्टूबर के बाद का जो समय है वह आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय होगा। तो वर्तमान समय में आपके लिए आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि उसका कारण ये है केतु और शनि का जो संयोग है उसने आपको बहुत नुकसान दिया है, और वर्तमान समय में शनि के साथ राहु की भी स्थिति है, मौजूदगी है, तो ऐसे में हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करना आपके हित में होगा। और इस वक्त बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बेटे के बारे में पूछना है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994 जी, समय है सुबह 3:30 बजे स्थान बीकानेर जी। मुझे एक तो इसका भाग्योदय कब होगा, दूसरा ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, ये जीवन में क्या करेगा, किस चीज में सफल रहे। देखिए वर्तमान समय में आपके पुत्र की कुंडली में शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। शुक्र की जो महादशा है या शुक्र जिन भावों का स्वामी है वो है दूसरा और वो है सातवां और बारहवां। सातवां और बारहवां ये दोनों भाव बहुत ही शुभ नहीं होता। जिस भी जातक के लिए इसकी दशा या अंतरदशा चल रही हो उस जातक को बहुत सारे कष्ट विघ्न का सामना करना पड़ता है। तो जो पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता ये इसका अपना व्यवहार नहीं है, ये ग्रह का प्रभाव है इस जातक के ऊपर जिसके चलते ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसे उच्चाटन की स्थिति आ रही है कि बच्चा जो है मानसिक तौर पर खुद को पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर समय ठीक ना हो तो उसको सहयोग किया जाए। तो उसके लिए आपको आवश्यकता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती की पूजा करें। शुक्र की आराधना के लिए माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, और क्योंकि आपका बच्चा विद्यार्थी है अभी
तो भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा करने से निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और इस वक्त कासगंज से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्मतिथि, स्थान और समय जरूर बताएं। जी अरुण जी, आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरा नाम अरुण दीक्षित है जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1987 जी, और मेरा बर्थ प्लेस आगरा टूला है, नियर बाय आगरा। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक प्लॉट है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अप्रॉक्स 200 स्क्वायर फीट का होगा, तो मैं अभी इसको नेक्स्ट मंथ से बनवाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी जो उसका जो मतलब जो मेन गेट रहेगा वो रहेगा पश्चिम वेस्ट साइड में, तो कुछ वास्तु से रिलेटेड मैं सवाल करना चाहता कि किस तरह से रहते हैं ताकि आगे ऐसी वास्तु की प्रॉब्लम ना आए घर में। मुझे एग्जैक्टली इसकी जानकारी नहीं है, मैंने सुना ऐसा कि अगर मेरे कुछ फ्रेंड रिलेटिव हैं ऐसे जिन्होंने अपने घर एक द्वार बनवाने की कोशिश की, तो मैं बताया कि कई बार हमने कोशिश की, जब जब हमने पहला काम शुरू कराने की कोशिश की है तो घर में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कभी डेथ हुई है, कभी कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा इस परिस्थिति में होता है जब आप बिना जाने किसी उचित तिथि में का प्रयोग किए बिना आप वास्तु में हाथ लगवा दें। ऐसा जनरली होता है कि लोग अपने घरों में कुछ मेंटेनेंस कराना चाहते हैं, कुछ रिपेयरिंग कराना चाहते हैं और उन्होंने किसी भी डेट में अपने घर में काम शुरू करा दिया। एक तरफ काम शुरू होता है और दूसरी तरफ कोई घर का एक सदस्य जो है उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, वो बाथरूम में गिर पड़ता है, कभी पैर टूट जाता है, ऐसे केसेस हम लोगों के पास रोज आते हैं। यहीं पर ज्योतिष की प्रामाणिकता सिद्ध होती है और ज्योतिष को वास्तु से अलग करके आप कभी भी नहीं देख सकते। वास्तु जो है ज्योतिष का एक बहुत ही प्रमुख और एक बहुत अभिन्न अंग है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि वास्तु के बिना हमें ज्योतिष करना है, अभी एक भाई साहब मुझे एक दिन एक पार्टी में मिल गए थे, उन्होंने मेरे से इस पर बहुत बहस कर ली कि वास्तु और ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वास्तु तो वो विद्या है जो किसी भवन की ऊर्जा पर आधारित होती है। मैं उनको ये समझाना चाह रहा था या मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना हो तो उचित तिथियां होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में विशेष समय नहीं है, योग नहीं है, आप प्रयास करके भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, जितनी बार आप प्रयास करेंगे उसमें बाधा आएगी। तो इस तरीके के लिए अब अगर आपको वास्तु से संबंधित कोई विशेष जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमें अपना नक्शा ईमेल करें, जो भी आपका प्लॉट है, जिस तरीके का प्लॉट है, आप हमें ईमेल करें, उसके एक स्केच मेल कर दीजिए, उसमें क्या संभव है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको निश्चित तौर पे बता दिया जाएगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम आचार्य जी से राशियों के बारे में जान रहे थे, चलिए जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई बहुत बड़ा वाद विवाद आज आपके सामने आ सकता है, जिसमें घिर करके कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबा खिंच जाए, तो ऐसे किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, चाहे वो वाद विवाद अपने घर का हो या आपके किसी जानने वाले दोस्त मित्र या किसी बाहर के व्यक्ति का हो, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आज स्वयं को दूर रखना है। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब से कुछ चिंतित नहीं होना चाहिए आपको, प्रतिष्ठित लोगों का संबंध आज आपको प्राप्त होगा, उनसे संबंध बनेगा और उनके संबंधों का लाभ आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान आज आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम रमाचरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है, भाई के वाद विवाद से आपको स्वयं को बचाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज तैयार रहें किसी बड़ी चुनौती को लेने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक है। नौकरी में प्रगति होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे, व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आज आपको मिल सकते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, वर्तमान समय निवेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको कोई गुमराह कर सकता है, आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, वह अपने विचार आप पर थोप सकता है और आपको कुछ ऐसे सुझाव दे दे जिससे आप कोई गलत निर्णय ले लें, गलत कदम उठा लें। किसी भी गलत चीज़ या गलत कार्य, गलत व्यक्ति का साथ देने से बचना चाहिए, खुद को आज थोड़ा सा बचा करके रखना है।
विद्यार्थी वर्ग के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए विद्याभ्यास में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित होगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर मत करिए। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि किसी करीबी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है, आज आप अपने उस मित्र से क्षमा मांग सकते हैं। माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध अवश्य आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद न हो, ऐसा व्यवहार आज आपको रखना चाहिए, ऐसा रुख, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से क्रोध करने से बचना है। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, कुछ बढ़िया विचार, कुछ नए विचार आ सकते हैं जो आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छे शुभ फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। तो जैसे ही ये विचार आते हैं उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। काल्पनिक दुनिया की सैर के द्वारा आज आप अपनी सृजनात्मक शक्ति में कुछ नयापन का संचार कर सकते हैं। जो आपके विचार हैं उसमें कुछ नयापन आएगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना है। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई नया ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और ये बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। सोच विचार का जो स्तर है वो और मजबूत होगा, उसके उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आ सकते हैं। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी ना आने दीजिए। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, जयपुर से हेमलता जी, आप अपना प्रश्न करें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म 27/8/1981 जी। 12:15 का टाइम है दोपहर का जी। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाह रही थी। मैं मकान नहीं हो पा रहा है, मतलब किराए के मकान में बैठी हूँ, 10-15 साल हो गए सर। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। जहाँ तक अपने भवन की बात करें तो अपने भवन का संयोग जो है वह बहुत क्षीण, बहुत कमजोर दिखाई देता है। उसके लिए बहुत सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आवश्यकता आपके लिए ये है कि मंगल और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, क्योंकि मंगल को ही भवन भूमि इत्यादि की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं मंगलो भूमि पुत्र, अर्थात मंगल ही जो है, मंगल ग्रह जो है वह भूमि पुत्र की उनको उपमा दी गई है, वह भूमि पुत्र बताए गए हैं। तो मंगल की स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक भवन भूमि इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मंगल पर ग्रहण योग बनाया हुआ है राहु ने, तो मंगल और राहु की शांति बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसके बाद ही अपने भवन का सपना आप देख सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आचार्य जी से जानेंगे आज का विशेष महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार छोटे से उपाय से आप भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काले जादू और जो किया कराया जिसे कहते हैं, जो आपके ऊपर कुछ किया कराया लोग हमेशा तंत्र मंत्र करते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह अपने रिश्तेदारों से या अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से बिना मतलब जलने की आदत होती है, उनको ईर्ष्या की आदत होती है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनको समस्या सबसे ज़्यादा होती है। उनसे आपका कोई खून का संबंध हो, रक्त संबंधी हो या ना हो, बस वो किसी भी व्यक्ति की वृद्धि नहीं देख सकते। और ऐसे लोगों का काम ही होता है कि वो कुछ तांत्रिक पकड़ के, कुछ मौलवी पकड़ करके जादू टोना कराते रहें, आपके काम में विघ्न और बाधा डालते रहें। किसी के ऊपर भूत प्रेत छुड़वाना, ये बातें सुनने में आज के समय में कुछ अटपटी जरूर लगती हैं, लेकिन जिनके साथ होता है उनसे अगर आप पूछें तो वो ये कहेंगे कि हाँ, भूत प्रेत भी हमने देखा, ये भी हमने महसूस किया, ये चीज़ें होती हैं, काले जादू से हमारा परिवार ग्रसित रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने का, गंभीर रोग और बीमारियों को दूर करने का बहुत सरल सा आपको आज उपाय बताता हूं। वह उपाय है भैरव यंत्र।
भैरव यंत्र को यदि आप पूजा पाठ करें तो आप भूत प्रेत काले जादू के प्रभाव को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है ये भैरव यंत्र। उसकी सहायता से आप इन सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र की नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति को बचा करके रखता है यह भैरव यंत्र तथा सकारात्मक शक्ति सकारात्मक ऊर्जा की शुभता में यह वृद्धि करता है, इसको बनाए रखता है। श्री भैरव यंत्र स्वास्थ्य का सुख देने वाला यंत्र होता है। इस यंत्र से आप अपने ऋण अर्थात कर्ज की स्थिति रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यावसायिक समस्याओं का निवारण करने में भी भैरव यंत्र जो है वह बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। श्री भैरव यंत्र के सभी शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस यंत्र की नियमित पूजा आराधना की जानी चाहिए। यह यंत्र दो प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। एक जो यंत्र होता है वह है धारण करने के लिए, अर्थात इसको आप प्राण प्रतिष्ठित करके धारण कर सकते हैं अपने गले में या अपनी बाजू में। दूसरा यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित करके नियमित पूजा स्थान में रखा जाता है और नियमित उसकी पूजा वंदना होती रहनी चाहिए, इसको दर्शन यंत्र कहते हैं। यह यंत्र किसी योग्य आचार्य के द्वारा आप अपने लिए सिद्ध करा करके प्रयोग में ले सकते हैं। जो भी अच्छा आचार्य होगा वह इस यंत्र को आपके लिए सिद्ध कर देगा। तो अच्छी विशेष तिथियों में आप अपने परिवार के जो भी आचार्य हों उनसे बात करें, उनसे आग्रह करें कि हमें एक भैरव यंत्र सिद्ध कराना है। भैरव यंत्र विशेष तिथियों में सिद्ध करके वो आपको यदि दे देंगे तो जिस भी प्रकार का आपको लगता है कि आपके शत्रुओं ने आपके प्रतियोगियों ने आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करा रखा है, कोई ऊपरी क्रिया करा रखी है, जादू टोना है, नजर है, काला जादू है, हर प्रकार के जो नीच कर्म के तंत्र होते हैं उसको रोकने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और इस प्रकार के तंत्र मंत्र का जो दूसरा प्रभाव होता है वो रोग और कर्ज के रूप में आपके ऊपर आता है या आपके व्यापार में नुकसान क्षति के रूप में आपके ऊपर आता है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स मान लीजिए आप, तो ये उसके दुष्प्रभाव को रोकने में भी काफ़ी हद तक सहायक होता है। आप गंभीर रोग से बच सकते हैं, कर्ज की स्थिति से उबर सकते हैं और अगर आपका अच्छा सा चलता हुआ व्यापार बंद हो गया इन तंत्र मंत्र के चलते तो पुनः आपके व्यापार में खुशहाली आ सकती है। तो भैरव यंत्र का प्रयोग आप अपने जीवन में करें और उसका लाभ लें। और बिल्कुल किसी भी यंत्र को यदि सिद्ध ना करवाया जाए या फिर उसकी लगातार पूजा अर्चना की ना किया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता, सही कहा मैंने आज? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसे किसी भी यंत्र को प्रयोग में लेने के लिए उसका प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो किसी अच्छे आचार्य से आप लेकर के उसको सिद्ध कराएं। अगर आप ऐसे ही बाजार से खरीद के लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे यंत्र उपलब्ध हैं और उसको प्राण प्रतिष्ठित नहीं कराते हैं तो उसका कोई आपको सुफल नहीं मिलेगा, वो आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि वो एक डेड बॉडी की तरह है। आपने ला करके रख दिया और उसमें कोई ऊर्जा नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगा, और वही जब आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करा देंगे उसकी ऊर्जा शुभ हो जाएगी तो आपके लिए कल्याण की स्थिति आएगी। बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमें दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।